अब तक आपने देखा कृष्णा इंटरव्यू देने पहुंचती है और सभी को अपने उत्तरों से प्रभावित कर लेती है। कृष्णा प्रीलिम्स की परीक्षा में उत्तीर्ण होती है और मेंस की परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक ले आती है। पिंकी के कहने पर कुछ लड़के कृष्णा से क्वेश्चन बैंक छीनकर भागते हैं। बिना डरे कृष्णा लड़कों से भिड़ जाती है। मनीषा और निर्मल के आने पर स्वाति के रिश्ते के बारे में पता चलता है। विद्यापति बबलू को लेने जाते हैं और पीछे से लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वालों की दहेज की मांग सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। बिहारी के बहकावे में आकर सत्यनारायण दहेज की मांग कम करते हैं, पर इस शर्त पर कि कृष्णा का रिश्ता उनके विदुर बेटे से हो जाए। सरस्वती कोई रास्ता ना देखकर शर्त मान लेती है। विद्यापति रिश्ते की बात जानकर क्रोधित हो जाते हैं। पिंटू कृष्णा को चुप देख कुछ बोलने के लिए कहता है। अब आगे हेलो कर दी बेटा। पापा हम सॉरी बोले ना, आप एक मिनट इधर ही रुकिए, हम आपके लिए टॉवल ले आते हैं, नहीं तो सर्दी लग जाएगा। नहीं नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है। अरे आप तो पिंटू सिंह जी है ना, आपका पिताजी टुनटुन सिंह को हम जानते हैं, पुराना परिचय है। अरे आपको तो पूरा कपड़ा भीग गया। अरे झाड़ा का टाइम है, एक गो चाय हो जाए तब तक कपड़ा भी इस्त्री हो जाएगा। आइए आइए आइए। नहीं नहीं, हमको देरी हो रहा है, हम चलते हैं। बेटा पानी पौधा में डाला, राह चलता आदमी पे नहीं। जी पापा, आप टुनटुन सिंह जी को जानते हैं ना? हाँ। किसी दिन उन्हें हमारे घर पर चाय पे बुलाइए ना। ये सब हंगामा तुम्हारी खातिर हो रहा है, तुम चुप काहे हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम अचानक से वहां से उठकर चले आए, विद्या चाचा क्या सोच रहे होंगे? क्या फर्क पड़ता है, वहां होना था वही जो। पिंटू यू लोग का निजी मामला है। पूरब और पश्चिम सोच रहे हैं दोनों जन, और बीच में वो लड़की कृष्णा वो पिस रही है। आज हमारा इम्तिहान है। तुम तो हमारी सबसे बहादुर होनहार बेटी हो, तुम देखना तुम्हारा जवाब सुनकर वो लोग घबरा जाएंगे। पता नहीं ये सब करके क्या मिल, किताबें ताकते रहने से कोई अफसर नहीं बन जाता। तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं वो सिर्फ इसलिए तुम एक होनहार स्टूडेंट हो, और हम ऐसा मानते हैं कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। पढ़ाई कर करके आंख के नीचे गड्ढा पड़ता जा रहा है, अरे ऐसा शकल लेकर ही होगा इसका? कृष्णा हमको तुमसे हमसे बहुत उम्मीद है, और पता है तुम्हारे जीजा जी भी कहते हैं कि कृष्णा जरूर कुछ कर दिखाएगी। अब पता चला पढ़ाई लिखाई के चक्कर में एक बड़की लड़की के रिश्ता वही लटक गया। क्या कर रही हो बेटा? ना कुछ पुराना आदतों को अपने से दूर कर रहे हैं पापा।
किया था आदित्य। पढ़ने का आदत, मेरा बच्चा, ये तो बहुत अच्छा आदत है। काश दुनिया की हर बच्चा को आदत हो, और तुम इसी को छोड़ना चाहती हो? कहाँ छुड़ा पा रहे हैं पापा। सही कह रही हो बेटा, इंसान का सबसे सच्चा साथी उसका किताब होता है। इनका ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। और फिर तुम का ही छोड़ोगी पढ़ना लिखना? नहीं, तुम पढ़ोगी, हम हैं ना तुम्हारे साथ हर कदम पर। कल से कोचिंग क्लास जाना शुरू कर दो। अभी रेड मार्कर कहां रख दिए हैं? वहीं तो रखा है। कहां रखा है? ये लीजिए। देख रहे हैं, जब से आप विद्या चाचा के यहां से आए हर बात में चिड़चिड़ा रहे हैं। हमारे कोचिंग की सबसे होनहार छात्रा कृष्णा है, उसके जीवन से खेला जा रहा है। उसका शादी तय कर दिया गया है। अच्छा, वो लोग तो ये गलत कर रहे हैं, पर इस बारे में आप भी क्या कर सकते हैं? कोई उपाय है? भैया, आपको फालतू में उस लड़की के लिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। वो आपकी छात्रा है ना कृष्णा, कल कोचिंग सेंटर लौट आएगी। उसको पढ़ाई लिखाई के अलावा और कुछ आता नहीं है, किताब ही उसका दोस्त है। हाँ, लेकिन वो अपनी माँ और अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। कोई भी त्याग, कोई भी बलिदान दे सकती है। लेकिन भैया, विद्या चाचा उसका सपोर्ट में है, उसे पढ़ाई छोड़ने नहीं देंगे। तुम इतना श्योर कैसे हो कि विद्या चाचा उसको पढ़ाई नहीं छोड़ने देंगे? भैया, उसका वजह है। दिन में तो हम भी सोचे थे कि वो घर में होगा वही जो कृष्णा की माँ चाहेगी, और बाद में हमको ध्यान आया कि कृष्णा के लिए पढ़ाई उसका शौक नहीं, उसका आदत है। और हम सुने, आदत अच्छा हो या बुरा, इतनी आसानी से नहीं जाता। क्यों भाभी, हम सही बोले ना? क्या जाने क्या होगा, कभी कभी तो डरते हैं कहीं वो बेचारी सब छोड़ छाड़ के कहीं चूल्हा चौका को ही अपना भाग्य ना मान ले। पढ़ने को बोली थी ना, जाओ जाकर के पढ़ो। अरे जाओ, तुम्हारा इम्तिहान है। दीदी,
हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने शादी से साफ साफ मना क्यों नहीं कर दी। मुंह खोल के दहेज मांग रहे थे वो। तुम तो दहेज प्रथा के खिलाफ हो ना? पापा आए नहीं थे और माँ भी असमंजस में थी। अगर ऐसे में हम कुछ बोल देते तो पता नहीं क्या हो जाता। वैसे भी माँ हमारी वजह से बहुत परेशान रहती है। पर दीदी, ऐसे तो कोई ना कोई मजबूरी लगा ही रहेगा। मजबूरी का ही तो फायदा उठाते हैं लोग। दो तीन जगह बात होकर अगर रिश्ता ना जमे तो माँ बाप दुनिया का चिंता करने लगते हैं। शादी क्यों नहीं हो रहा है, सब लोग क्या बोलेंगे। अब धीरे धीरे दुनिया बदल रहा है। देखो कृष्णा, दुनिया का हमको पता नहीं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम लोग के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। अरे जिस रिश्ता में पहले ही दुनिया भर का शरत आ जाए वो रिश्ता आगे जाके आत्मसम्मान को कदम कदम पर चुनौती ही देगा। कृष्णा, तुम अभी भी चुप रही ना तो माँ तुम्हारा शादी करा कर ही चैन लेंगी। और वैसे भी दुआ लड़का से शादी काहे करना है। कभी कभी तो हमको लगता है भगवान हमको पैदा ही क्यों किए। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? हम लोग का शादी तो तभी हो सकता है ना जब हम दिखने में भी सुंदर हो, पैसे वाले भी हो, पढ़े लिखे भी हो, और ये सब होने के बाद भी बेजुबान हो। देखिएगा, हम तो शादी ही नहीं करेंगे। नहीं चंचल, ऐसा नहीं कहते। अरे तुम तो हम सबकी लाडली हो लाडली। देख लेना, तुम्हारी शादी तो हम बड़े धूमधाम से करेंगे, है ना कृष्णा? कुछ तो कहो कृष्णा दीदी, हम तुम्हारी शादी और दूसरी शादी वाले लड़के के साथ नहीं होने देंगे, बस। को बहुत नींद आ रहा है। पैंट शर्ट बैग में रख लीजिए। कभी कुछ मन का दे ही नहीं पाए, आप लोग अचानक जाने का तैयारी कर लिए। सुनिए, मनीषा जा रही है। इतना जल्दी क्या था? दो चार दिन और रुक जाते। वो माँ का फोन आया था, उनकी अचानक तबीयत बहुत खराब है। जाइए, उनका ख्याल रखिए और हमारा नमस्कार कीजिए। कृष्णा कहाँ है? माँ, हम मिल लिए हैं कृष्णा से। खुश रहो। अरे नहीं जीजा जी, हम लिए चलते हैं। पंडित जी प्रणाम। भाग्यवती भव। आइए। बैठिए, हम पत्री लेके आते हैं। ठीक। लीजिए। अरे बहुत बढ़िया, इस पत्रिका में भी विवाह का योग बहुत बढ़िया बन रहा है। ये विवाह भी पूर्व दिशा में ही होगा। पूर्व से आया है पंडित जी, हमारी दूसरी बेटी कृष्णा का शादी भी तय हुआ है। उसका कुंडली भी देख लेते तो। खुश रहो, खुश रहो। पंडित जी कृष्णा का कुंडली देख रहे हैं, उसका भी शादी का योग चल रहा है। वो लोग बहुत पैसे वाले हैं ना जी। समझ लीजिए, ये वही रिश्ता है। ये रिश्ता तो हो ही जाना चाहिए।
पापा कोचिंग जा रहे हैं। अरे बेटा सुन रही हो, पंडित जी क्या कह रहे हैं, तुमको भी उसी घर में जाना है। एक हजार। पिंटू भाई सोच लो, अगर शर्त हार गए तो 1000 रुपए तुम्हें हमको देना पड़ेगा। पिंटू सिंह आज तक कोई शर्त नहीं हारा और आज भी नहीं हारेगा। क्या बात है, 1000-1000 रुपया का शर्त लगाया जा रहा है? कौन और चक्कर तो नहीं है ना? एक अन चक्कर, अपना खोपड़िया इतना ज्यादा मत चलाओ वरना फट जाएगा। पर इतना झमेला होने के बाद अब कौन पढ़ने आएगा? हम बोले ना, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। हम जानते हैं कृष्णा का पढ़ाई पे कॉमा लग सकता है, लेकिन फुल स्टॉप फुल। कभी नहीं। वो देखो आ गई कृष्णा। चलो 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 निकालो, सर धारने का इतिहास कायम था और कायम ही रहेगा, समझे? चलो भाई तुम भी लाओ फटाक से। अरे ये तो 950 ही है। कंधे पर किताब टांगकर पढ़ने जाने से ही कोई घर गृहस्थी का काम नहीं सीख जाता। अच्छा होता कि 8वीं में ही स्कूल छुड़वा देती। चिट्ठी पत्री लिखना सीख गई थी, काफी था। औलाद माँ बाप की स्थिति समझती है, पर इस लड़की को तो कोई बात समझे में नहीं आती। ज्यो खर्चे त्यो त्यो बढ़े। चंचल बेटे जरा पानी लेना। पापा पानी। शाम तक गुस्सा शांत हो जाएगा। पापा देखिए ना, हमको ये दोहा याद ही नहीं हो रहा है। क्या था? हमारे साथ साथ बोलो। सरस्वती के भंडार की। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। बड़ी अपूर्व बात। जो खर्चे त्यों त्यों बड़े। जो खर्चे त्यों त्यों बड़े। ना खर्चे घट जाए। बिन खर्चे घट जाए। इतना रट्टा लगाने से अच्छा है इसका मतलब सुन। तब ऐसा याद होगा कि फिर कभी नहीं भूलोगे। अपनी किस्मत भी तो ऐसा ही करती है। सीखो, जरूर सीखो। अपनी कृष्णा दीदी की हर कला सीखो। सीखो कि कैसे माँ की इच्छा को लात मारा जाता है। देखा ना कैसे चली गई कोचिंग में पढ़ने के लिए। माँ अब कृष्णा दीदी को क्यों? हाँ हम तुमसे काहे ये सब कह रहे हैं। अरे असली कारण तो यहाँ खड़े हैं। खूब गुरु ज्ञान दीजिए अपने बच्चों को, सिखाइए कि कैसे एक ही घर में रहकर अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, अपने भाई बहनों की खुशी ताक पर रखकर अपने भविष्य की चिंता करते हैं। एकदम सही उदाहरण दिए कृष्णा का। अरे वो तो मिसाल है कि किसी की कोनो फिक्र नहीं करनी चाहिए, बस अपने बारे में सोचना चाहिए। ये उदाहरण खड़ा किए हैं आप। अरे एक का जीवन तो खत्म कर ही चुके हैं और चंचल को चुप कीजिए सरस्वती। हम तो चुप कर ही जाएंगे, खत्म कर लेंगे अपने आप को। रह दीजिए हमारा गला इससे। अरे सोच कर रहे हैं हमारी कोनो बेटी की शादी देखने के लिए हम जिंदा रहेंगे ही नहीं। यही ठीक रहेगा हमारे लिए, खत्म कर दीजिए हमको। कर रही है हमारी सारी बेटी का शादी होगा और हमारी कृष्णा इतनी स्वार्थी नहीं है
वो कोई भी कदम उठाने से पहले सबसे पहले हमारे बारे में सोचती है। अरे थोड़ा सा भरोसा तो कीजिए उस पर, अपनी कोख से जन्मी है आपसे, किसी मेला से उठा करके लाइएगा। में है सब ठीक हो जाएगी, जिस दिन हमारी कृष्णा पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगी ना सब ठीक हो जाएगी। बहुत किताब पढ़े, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इंसान को बड़ा बनने के लिए खाली अपना बारे में सोचना चाहिए। हम ये फैसला हमारी स्वाति दीदी के लिए लिए। हर समस्या का समाधान होता है, ये समाधान नहीं है, समझौता है, और ये समझौता हम तुमको नहीं करने देंगे। ये तुम क्या कह रही हो, तुम पढ़ाई छोड़ दोगी? कृष्णा तुम प्रीलियम पास कर चुकी हो, मेंस और इंटरव्यू भी निकाल लोगी, और तुम्हारा सपना भी तो यही है ना। इंसान का हर सपना पूरा हो ये जरूरी तो नहीं है ना सर। कृष्णा तुम एक मेधावी छात्रा हो, और ये सपना तुम्हारा अकेले का नहीं है, विद्या चाचा का भी है, हमारा भी है, और इसके लिए तुम कितना मेहनत की हो, क्या क्या सही हो। हमारे देश में बहुत लोग मेहनत करते हैं सर, सब सपना देखते हैं, लेकिन परिस्थिति और भाग के आगे किसका चलता है। हम बहुत सोच समझ कर फैसला लिए हैं सर। देखो कृष्णा, हर समस्या का समाधान होता है। समाधान ही तो है ये समाधान नहीं है, समझौता है। यही समझदारी है सर, बहुत किताब पढ़े हैं, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इंसान को बड़ा बनने के लिए खाली अपना बारे में सोचना चाहिए। हम ये फैसला हमारी स्वाति दीदी के लिए लिए, और यही ठीक भी होगा, हम अपने घर परिवार के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और आप तो है ही ना सर, हमारे जैसी और भी कृष्णा आएंगी, तो पढ़ाई में हमसे भी अच्छा होगा, आप उनको भी उत्साहित करेंगे, उनका जिंदगी सवारेंगे। आपका पढ़ाया हुआ हर सबक हमको याद रहेगा सर, जीवन के इस इम्तिहान में सिर्फ उसका सहारा रहेगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।